तो भैया को ना मैंने अपनी रील दिखाई थोड़ी बहुत, जो एक बाइक मैंने कांड कर रहे हैं, तो स्टंट मारे हैं भैया, यहाँ से हम अपने आपको फॉलो कर देंगे, आप लोग भी कर ले जाके फॉलो GDS लोग। एयर फिल्टर चेंज हुआ है, मैंने स्टंट मार के इसको एक क्लच वगैरह तोड़ दिया, ये चेंज हुआ है। ये क्या हो गया? ओ भाई साहब, नीचे देख, नीचे नीचे देख, उधर नीचे, उधर देख, उधर नीचे, तुम दिख नहीं नीचे। बेस्ती कर दिया है, क्या मैंने बेस्ती नहीं बोला, बोली कौन आया? ओ पापा के पास आ रहा है ये। Ladies and gentlemen, कौर करो जट थोड़े शहर आए ने। तो अभी हम घर में बैठे हुए थे फ्री, तो बस हमने सोचा चल पड़ते थोड़ा बहुत घूमने, तो इसलिए अभी हम आगे सारा सेक्टर विनय भैया के साथ और सारे दीदी आए हैं। पागल लड़के तो आपने पता नहीं कितनी बार देखी होगी। कैसा लग रहा है आपको सारा सेक्टर में? यहाँ पे ना अभी वो चल रहा है इंटरव्यू, चलो आपको इंटरव्यू लेते हैं। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हो आप सर? हम इंग्लैंड से। इंग्लैंड से आए यहाँ पे क्या सर, घूमने आए हो? घूमने आए हो, बस घूमने आए हो सर? इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? बस आ गया कहीं से। आप सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आ गए? मुझे अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे माँ पापा के फेवरेट गाने चल रहे हैं। 25-30 साल पुरानी शॉप होगी ये वाली, ज्यादा ही होगी ज्यादा। I be too turned up to ever give a fuck. Yeah. I ain't come to argue, let a nigga fuck. They been talking pennies, I need bigger bucks. About to catch a flight, I need to switch it up. Got that black boy joy, might do my dance on it. टाइम पता क्यों लग गया? हाँ, मेरी ब्रेक का टाइम लग गया बस। ब्रेक में टाइम लग गया? ब्रेक में क्या हुआ था? तो भाई हमारी बाइक में एक एयर फिल्टर चेंज हुआ है, ये मैंने स्टंट मार के इसके क्लच वगैरह तोड़ दिया था, वो चेंज हुआ है। फिर ये जो गियर लीवर होता है नीचे, तो ये भी चेंज हुआ है, ये भी खराब हो गया था। बाकी ये शू ब्रेक पैड है, ये भी चेंज हुए हैं बाइक के सारे। तो भाई ये है अभी अगला दिन, और हम आए थे यहाँ बजाज के शोरूम में अपनी बाइक सर्विस करवाने। ओ भाई क्या सही लग रही है ये बाइक, अलग सी लग रही है ना थोड़ी। ये भी NS 200 है, नो एयर बैग, नो ABS, वी डाई लाइक अ रियल मैन। तो वही हम आए थे अपनी बाइक की सर्विस कराने आज यहाँ पे, और मस्त हमारी बाइक की सर्विस हो रही है, बाइक एकदम टिप टॉप बन जाएगी हमारी। ठीक है, इंजन ऑयल तो भाई बाइक में सब चेंज कर दिया, बस वॉशिंग हो जाएगी ना, बाइक एकदम नई बन जाएगी हमारी। तो भैया को ना मैंने अपनी रील दिखाई थोड़ी बहुत, जो एक बाइक मैंने कांड कर रहे हैं, इतने तो स्टंट मारे हैं। अब भैया यहाँ से हम अपने आपको फॉलो कर देंगे, आप लोग भी कर लो जाके फॉलो GDS लोग इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये कर दिया भैया फॉलो, ठीक है, GDS लोग के नाम से है। भैया भी आ जाएंगे परसों के ब्लॉग में। ये भैया तो कह रहे हैं इसका हैंडल भी लूज था, भैया ने चला के देखी थी बाइक। तो लो जी भाई, होगी हमारी सर्विस यहाँ बजाज के शोरूम से चले। तो अभी हम गाड़ी में आए थे, लेकिन चलो शुक्र है मैं अपना हेलमेट ले आया था, सेट होगी बाइक पूरी, बस और क्या चाहिए था। लेकिन यार एक दिक्कत होगी है कि दिक्कत नहीं, बाइक उन्होंने ना वॉश नहीं करी है, क्योंकि उनके वहाँ पानी नहीं आ रहा था। काफ़ी टाइम से इसकी ये सर्विस पेंडिंग रहती थी यार, यानी कितने टाइम से इसकी सर्विस नहीं करवाई थी हमने, जब स्पीटी वैली गए थे ना हम, शायद उससे पहले करवाई थी सर्विस, उसके बाद आज जाके अभी सर्विस हुई है। बाहर से हमने सर्विस करवाई नहीं यार, वैसे करवाने को बाहर से भी करवा सकते थे, लेकिन फिर जो काम यहाँ पे होते यार वैसा काम नहीं करते वो। चलो विनय भैया अभी चले गए घर, अभी विनय भैया मेरे साथ ही आ गए थे अभी। ये क्या हो गया? लीवर लूज हो गया भाई। ओ भाई साहब, अच्छा ये लूज हो गया, ये पता नहीं ये वो नट गिर गया इसका शायद। यार मैं कर तो दूँ रहा हूँ, पर ये है टेम्परेरी जुगाड़, ठीक है, ये कंपनी वालों को कंप्लेंट मारनी पड़ेगी। इसको आराम से गियर पाइयो अभी, घर तो तेरे पास में ही रह गया। अगर ये निकल जाता है ना, ये ब्लैक साले किसके अंदर डाल के ये चूड़ी कसनी है बस ऐसे।
देख अब मेरा गियर पड़ रहा पहला काम पड़ रहा है चलो जी मंडे को बाकी इसकी वॉशिंग करवा लेंगे, बाकी तो वॉशिंग क्या आएगी तो वो चीज दिखानी पड़ेगी फिर से यार, अब लूज रखा उन्होंने। चलो